अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वाहिका वर्ल्ड से मैं मोहसिन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी। बिरयानी, बघारा खाना और खिचड़ी के लिए ये पुदीने की चटनी एकदम परफेक्ट है। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है दोस्तों। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इमली। इसे मैंने 15 मिनट पहले ही पानी में डालकर भिगो के रख लिया है। हरी मिर्च, अदरक, पुदीना और नमक, और अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। और हमें चाहिए प्याज। आप भी फटाफट से इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। पहले हमारे नानी दादी के जमाने में लोग उखली में कूटकर सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनाते थे, लेकिन आज के जमाने में ये सारी चीजें कम ही देखने को मिलती है। लेकिन आप मिक्सर ग्राइंडर में भी उखली में बनाई हुई चटनी का इक्वल टेस्ट बना सकते हैं। आप मेरे बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करें। पहले जार में इमली और अदरक के पीसेस डालकर ग्राइंड करके सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। फिर उसमें इमली का पानी डालकर, हरी मिर्च डालकर उसे भी ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। अब उसमें पुदीना और नमक डाल लेंगे और हल्के से दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं करना है दोस्तों। अब आखिर में प्याज डालकर इसे दो या तीन बार सिर्फ पिंच करेंगे, ग्राइंड नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए, हमारी पुदीने की खट्टी चटनी रेडी है। इस चटनी में खाते वक्त प्याज के बाइट्स आएंगे तो इसका टेस्ट चटपटा सा बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भी ट्राई करें, बनाना बहुत ही आसान है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।